अब ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में आपको इसके पेड़ों के बीच तो नहीं दिख रहे होगे, इसमें पक्षी घूम रहे हैं और ये पक्षी नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, एक एक दो दो डंक मार देंगे सेब में और उसको ख़राब कर देंगे पूरा का पूरा, फिर वो किसी काम का नहीं बचता। तो इसलिए इनको जितना दूर भगाया जाए उतना ज़्यादा बेटर रहता है। देखो सामने दिख रहा है मुझे पक्षी, देख रहे हो ये छोटे छोटे, देखे देखे देखे, ये इनको भगाना बहुत ज़रूरी है। रूनी यार क्या बन रहा है, तो दिख नहीं रहा था आज। रूनी देते बेटा, देखो अभी आ रहे, नीचे आ रहे, नीचे आके देते। आ जा बेटी, तो गाइस फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम फारिग हो चुके हैं। और आज जो रहने वाला है आज का दिन, बेसिकली वो ये था कि आज हमने सोचा था अपने बगीचे को एक्सप्लोर करते, ये देखते कि क्या काम चल रहा है। और आज हमने ये भी डिसाइड किया था, अब देखो यार, अब जब सेब का सीज़न आया तो सेब के सीज़न में हम सबको पेटियाँ देते हैं, जैसे हमारे परिवार वाले हो गए, कुछ नॉन लोग हो गए, उनको पेटियाँ देते हैं। तो हम, मैं और मेरे भाई ने डिसाइड ये किया था, जो तो मतलब अपने परिवार वालों को पेटियाँ जानी है ना, वो हम क्यों ना खुद तोड़ के खुद भरे। बट इसमें एक ये दिक्कत है, अभी हमें ये नहीं पता है कौन से पेड़ से कौन सी जगह से तोड़ के हमने भरने, तो इसी कंफ्यूजन में, वरना हम अभी तक ये वाला काम शुरू कर देते हैं। तो और ऊपर से हमारे पास ना क्रेट्स है ना हमारे पास पेटियाँ है, क्योंकि इस बारी जो हमारा चल रहा है सिस्टम बेसिकली वो यही चल रहा है कि क्रेट्स में भरो और सीधा परे ले जाओ चौपाल की। इस करके हमने इस बारी पेटियाँ भी नहीं लिया, पेटियाँ चाहिए भी होती है तो सीधा जहाँ ग्रेडिंग पैकिंग होती है वहीं लगती है पेटियाँ, यहाँ हम लाते नहीं है पेटियाँ, कम शमी होती है जब होती है, वो सिर्फ तभी लाते हैं जब अपनों के लिए भरनी होती है, वो टाइम शायद अभी आया नहीं था। तो अभी पापा ने मंगवाई है कुछ पेटियाँ और कुछ क्रेट्स ताकि हम भर सके उसे। बड़ा मजा आने वाला है भाई इस चीज में जब हम पेटियां खुद से भरेंगे, वो भी अपने लोगों के लिए। भाई अभी बाहर आया था मैं अपने दोस्त को ढूंढने, रोनी को ढूंढने, वो पता नहीं कहाँ है अभी तक, बेचारा यहाँ था, तरस रहा था कि हम उसको रोटी देंगे, बट हम भी तब तक व्यस्त हो गए अपने खाने पीने में, हमने सोचा पहले अपनी पेट पूजा कर लेते फिर उसको भी दे देंगे, वो मिल ही नहीं रहा है। अब पता नहीं रोनी कहाँ गया भाई, उसको आवाजें मैं कब से मार रहा हूँ। बट सही है भाई, सच बताऊँ यहाँ मतलब अलग मजे है, शांति देख रहे हो कितनी है, कितनी शांति है भाई। मतलब आपके दिमाग में जब आप शहरों में रह रहे होते हो ना, आपके दिमाग में कई चीज़ें चल रही होती है क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है वहाँ पर, यहाँ देखो यहाँ सिर्फ नेचर का शोर है भाई, और वो भी इतना पीसफुल है कि मतलब आपका दिमाग ना शांत हो जाता है, आपका दिमाग ऐसे बैठ जाता है आराम से। देखो ब्रेकफास्ट तो भाई हमने कर लिया है, गाँव में सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि आपको सब कुछ फ्रेश फ्रेश मिलता है। तो आजकल मम्मा ने, जैसे अब इतने टाइम से ये रह रहे हैं, तो मम्मा ने आजकल लस्सी बनाना, बटर बनाना, दही बनाना घर पे शुरू कर दिया भाई बनाना, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मशीन अगर आपको याद होगी मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में दिखाई है, बट अगर किसी को याद नहीं है तो फिर से दिखा देता हूँ। ये मशीन होती है भाई स्पेशली लस्सी बनाने के लिए, तो इसमें लस्सी छलती है और जब लस्सी छलती है तो उसके साथ बटर भी बनता है। अब आपको दिखाता हूँ, ओहो ये पूरा ही उठाना पड़ेगा मुझे, ये देखो भाई, ये देख रहे हो इसमें लस्सी, ये लस्सी मम्मा ने फ्रेश फ्रेश बनाई है भाई, और इतनी स्वाद है कि क्या ही बताओ, लस्सी तो लस्सी है भाई, साथ में जो बटर है घर का बटर जो फ्रेशली बना है भाई, क्या मजा आया खा के। तो गाइस मैंने आपको लस्सी तो दिखा दी, जो लस्सी से मक्खन निकलता ना वो भी दिखा पाऊंगा। ये देखो अभी एक ही पीस बचा है, अभी तक चार थे सुबह को, अब एक एक सबने खा लिया है, बट ये देखो फ्रेशली मेड मक्खन भाई, इसका स्वाद ही अलग होता है भाई। अभी परांठे नहीं बने स्पेशली, जैसे मैं आलू लाया ना लाल आलू परांठों के लिए, जिस दिन वो बनेगा ना उसके साथ जो मजा आने वाला है ना इस मक्खन को खाने का, आहा मेरे को ना मूर्थल की याद आने वाली, सही बताओ। ये दही होगी, ये होगी अपनी दही भाई, फ्रेशली मेड। गाँव की बात ही अलग है यार, क्या बताऊँ, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ फीलिंग, इतना फ्रेश फ्रेश खाने को आपको मिलता रहे ना रोज, क्या चाहिए भाई, आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो क्या रहोगे, ऊपर से इतनी फिजिकल एक्टिविटी होती रहे आपकी डेली बेसिस पे। अब देखो गाइस हम जस्ट अभी ब्रेकफास्ट करके फारिग हुए हैं और ये लोग लंच करके फारिग हुए, जो हमने हमारी जो यहाँ लेबर है ना वो लोग लंच करके फारिग हुए, ये लोग 6 बजे से लग जाते हैं भाई काम पर, सोचो 6 बजे से लगातार काम करके फिर अभी आ जाते हैं लंच करने अराउंड 12 बजे। हम सुबह 8-9 बजे उठकर अब जाके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 12 बजे, सोचो ये डिफरेंस है भाई। डिसाइड कर लिया खाना बनाएगा, क्या खिलाएगा, वो भी चूल्हे पे, रोटियां तो शहर उतर नहीं बनेगी चूल्हे पे, रोटी मम्मी बनाएगी, खाना मैं बनाऊंगा चूल्हे पे। क्या बनाएगा, जो तुम खाना चाहो, वैसे तो कुछ अच्छा बनाता नहीं है। तो क्या स्पेशलिटी है तेरी, मैं वो जानना चाहूंगा। देखो स्पेशलिटी कुछ नहीं, ओए ये लोग तोड़ रहे हैं, जा इसके शॉट ले, शूट कर, मम्मी कुछ दिखा रहे हैं भाई, प्लीज यार गो 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 गो, देख यहीं से दिखा दे,
अभी तोड़ नहीं रहे, सिर्फ क्रेट्स को पैक कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये सड़क तक धोई जाएगी ना, इसको ढलवाना पड़ेगा सड़क तक, उसके लिए देखो भैया ने क्रेट्स यहाँ क्रेट्स बांध दी और अब इसको नीचे ले जा रहे सड़क की तरफ। गाड़ी वाले आ गए पापा, नीचे पहुँचने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं, तो बस इसीलिए गाड़ी वालों को बेचारों को काम करवाना था अपनी गाड़ी में, तो थोड़ा लेट हो गया, वरना आज हमारा एम था कि चार स्लॉट तो हम भेज दे आज के, आज ही तीन तो जाएगी, तीन चले जाएगी आज के, चलो तीन तो चले जाएगी यार, अच्छी बात है। ढोना शुरू कर दिया इन्होंने सड़क की तरफ को ये सारी क्रेट्स, फिर चढ़ा देगी सीधा गाड़ी में, फिर गाड़ी निकल जाएगी अपनी। हाँ हाँ ये स्ट्रेच तो हो जाती है, यही तो फायदा है नेट्स का, बट इतने भी नहीं कि फट ही जाए भाई, वहां से नहीं तो कहीं से तो और से फट सकता है ना, जहाँ एक्स्ट्रा स्ट्रेच पड़ रहा होगा इसको। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट, परफेक्ट लेवल पे काम नहीं हुआ यार, जो ये वाला है ना इस बार नहीं लगे नेट्स इतने अच्छे। मैं तुझे एक चीज दिखाऊं, अब तू देख पा रहा होगा कि नहीं, ये जहाँ ये तेरा दोस्त आ गया, सुन मैं, वहां तो एक मक्खिया दिख रही है किस हिसाब से, वहां ऊपर जहाँ पीला पीला वो लगा है, मक्खिया देख रहे किस हिसाब की है, नो दे आंट हनी बीज, दे आर रेगुलर बीज, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा वहां इतनी सारी जमा क्यों हुई है। अच्छा अच्छा हाँ यार, रूनी भाई के लिए बेचारे, रूनी भाई का हम कब से वेट कर रहे, रूनी भाई को रोटी खिलाएगी, रूनी भाई गए तो तू तोड़ तोड़ के खिलाते रही हो ना इसको बेचारे को। पापा इतनी मक्खिया क्यों लगी उस टॉप पे, वो बेटे जैसे लाइट लग गया सामने, हाँ जी मुझे ये भी लग रहा है जैसे पक्षी जो खाते है ना सेब, उसके उसको उसके ऊपर लगी है ना, उसकी स्मेल से रस, हाँ जी हाँ जी, मक्खिया होती होती है, ये उड़ना चाह रही है ना, अभी इसमें फंस गई तो अभी उड़ नहीं पा रही, ठीक बात है, पक्षी जो डैमेज करते हैं कोई खाने, वैसे भी पहले जब फूल होते तब भी मक्खिया होती है, अभी पक्षी ने जो खाया है उसको खाने के लिए भी है ना, क्योंकि बहुत ही है, देखो साइड तो बहुत ही है उसके ऊपर, तो फंस गई बेचारी, रास्ता नहीं मिल रहा, नीचे इधर उधर जाते नेट में फंस गई, हां सही बात है, छोटे छोटे जो नहीं थोड़ा लाइट देख के आती है, लाइट सब जगह पर आगे कम है, आगे तो कम है। अब ये देखो रोनी इसका दोस्त बन गया, रोनी ना बड़ा चालू है भाई, ऐसे ना नजदीक तक नहीं आता बेचारा, डरता है रोनी है, बड़ा चलाक है भाई, ये नजदीक नहीं आता क्योंकि इसको डर लगता है, क्योंकि छोटा है ना बेचारा, बट जैसे इसको पता लगे ना जिसके पास तो रोटी उसके पास तो भागा चला जाता है। अब देखो इसको, इसका तो सही में दोस्त बन ही गया, इसको छूने भी दे रहा है, मुझे तो छूने भी नहीं देता है भाई ये, और मैं भी आता हूँ रुक जा, मेरे को देखते छूने देता है कि नहीं, गुड बॉय रोनी। अब रोनी को मैं रोटी खिला रहा हूँ, रोनी देखो मेरे पास भी बैठ रहा है, बंदा मेरे से तो भागा चला जाता था दूर दूर, खिला रहा है तू उसको एक ही बार, हाँ यार ये देख, और रोनी कहाँ भाग गया भाई, सॉरी आ जा और भी है बेटा, भाई इसको मैंने बड़ा पीस का खिलाया तो भाग गया, रोनी आ जा बेटी आ जा, वही पीस चबाने गए इतने दूर, अभी इसको पता था कि हम इसको छुएंगे इसको तंग करेंगे तो भाग गया दूर, अब देखना खत्म हो गया वापस भी आ गया, आजा आजा आजा। ये देखो भाई ये बेसिकली होती है ट्रेस जो लगती है अंदर पेटी के, फिर उस अकॉर्डिंग इसमें सेब डाला जाता है, अब ये भी साइज के अकॉर्डिंग होती है, कुछ एक्स्ट्रा स्मॉल वाली होती है, कुछ स्मॉल वाली होती है, कुछ लार्ज वाली, कुछ एक्स्ट्रा लार्ज वाली, तो अकॉर्डिंगली भाई ये जो ट्रेस हम इसलिए बाहर निकाल रहे हैं, अब जैसे जो हमने जितनी भी पेटी अपने अपने लोगों के लिए ले जानी है ना, तो उसके लिए ट्रेस बाहर निकाली जा रही है, क्योंकि बस हमारे पास पेटियां नहीं है, ट्रेस तो हमारे पास है। रोनी देखो हमारा बढ़िया दोस्त बन गया भाई, अभी हमें छूने भी दे रहा है, गुड बॉय रोनी, छूने भी दे रहा है, इसको मैंने ट्रीट दी ना भैया, मुझे छूने भी दे रहा है, अरे शाले खेने दे रहा भैया को, अरे शाले गंदे, अरे देखो छूने भी दे रहा, वरना नजदीक नहीं आने देता था, अरे खाता है भैया को खाता है शाले गंदे, सारे कुत्तों को ना देखना इनके वीक स्पॉट होता है, यहाँ इनको खारिश कर दो ना इतने खुश हो जाते रहे, दांत मार रहे भैया को गंदे बच्चे ना बेटे ना 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 इतना वो नहीं है। सच बताऊं कल ना शायद हमें जिमी भी मिली, जिमी मैं आपको बोल रहा था जिमी कहीं भाग गई थी, तो हमें शमी अंकल वगैरह ने बताया वो चौपाल चली गई थी किसी के साथ, बट उसको शायद वापस का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मैं और मेरा भाई जब कल मार्केट घूम रहे थे चौपाल मार्केट, एक जिमी जैसा सेम टू सेम कुत्ता था भाई, वो मतलब इतना खुश भी हुआ ना हमारे को देख के कि क्या ही बताऊं, वो जिमी था या कोई और था वो मुझे पता नहीं भाई, बट बिल्कुल डिट्टो जिमी लग रहा था, और हरकतें भी वैसी थी उसकी यार, बड़ा बच्चा ये तो गंदा बच्चा है छोटू, ये तो छोटू छोटू सा देखना पूरे मजे ले रहा है भाई, ये पूरे मजे ले रहे, अब नहीं जाते है, इसको पता लग गया है हम मजे भाई, क्लोज लुक तो अब मिल रही है इनकी, और मुझे वहां से दूर से लग रहा था कि सारी मर गई है, बट नहीं ये मूवमेंट में भाई सारी की सारी, अब इन्होंने वहाँ घर बनाया है कि क्या है, नहीं नहीं है भाई थोड़ी थोड़ी है, तुझे दिख नहीं रहा, इस वाले के नजदीक जा देखो उसमें भी दिख रही है, ऊपर टॉप पे दिख रही है, क्योंकि लाइट जलती है ना सारे, कम ऑन रोनी कम कम बेटा आ जाओ आ जाओ भाई, आगे आगे दोस्त आएगा हमारा यार, साथ घूमेगा हमारे गोल्डन, तो भाई सही भी नहीं,
तोड़ दिए होगे भाई अगर हो गए। गोल्डन कहाँ तोड़े? ये देख है इसमें सामने लगे दो दो। ये क्या बात है, इसमें सेव ही नहीं हुए। थोड़े गोल्डन हो गए, थोड़े रॉयल हो गए, इसमें रॉयल तोड़ दिए होगे। सिर्फ गोल्डन? हाँ मुझे याद है। पता नहीं यार। ये तो होता था एक इकलौता गोल्डन यहाँ पे। सेव देखना भाई सिर्फ दो है। तीन ही क्या दिख रहा है? एक यहाँ दिख रहा है। ऐसे होने इसमें बीच बीच में सेव। पर गोल्डन सही में कम है यार। हो नहीं यार, ड्रॉपिंग बहुत हो जाती है ना यार। हाँ भाई वही है ना, अभी इनमें साइज नहीं बना है। देख अच्छा कलर भी प्रॉपर अब आ रहा है धीरे धीरे। चुटकू भी बहुत है वही है ना भाई। इसमें यहाँ रीजन ये भी कि यहाँ सन नहीं पहुंच रहा है। देखिए यहाँ पे कितना कम सन पहुंच रहा है। सन पहुंच रहा है वही यार। थोड़ा थोड़े ज्यादा ही फैले फैले हो गए यार। मेन वही तो होता है इन बड़े पौधों के साथ, यही तो दिक्कत होती है। नहीं अलाइनमेंट में नहीं है यार वही तो। कैसे लगता है कि हम कैसे एकदम नेचर की सेरेनिटी में है ना। ओए इसमें देख भाई, वही बोल रहा हूं सेव देखना कितने। बट इसमें सेव कैसे भाई, सारे चिट्टे ही क्या सीन नहीं है? कलर नहीं आया ना यार अभी, तभी तो ये तोड़े नहीं अभी तक। ये देखो सारा ही चिट्टा भाई, कलर ही नहीं आया किसी उसमें तो। ये पूरा का पूरा भी पूरा का पूरा ही है। हाँ इसमें थोड़ा भी तोड़ान नहीं हुआ क्योंकि इसमें कलर ही नहीं है। एंड एंड की बारी आएगी जब लास्ट लास्ट का टाइम होगा, तब तक शायद इसमें कलर आ जाए, फिर इसको भी तोड़ देंगे। तोड़ा ही नहीं है, इसमें नहीं तोड़ा इसमें तो, कलर ही का है। देख तो आसपास ये भी देख ले, तेरे पीछे वाला ये भी कितना ही है। इसमें भी देखा बारह है कलर, अब बारह है ना। मैंने तो देख लिया, मैं तो उस साइड से भी दिख रहा था भाई। ये देखो जी, अब ये लग रहा है फीजी नहीं होता, फीजी एप्पल है एकदम पिंकिश। सीधा नीचे की तरफ इसमें कलर है, इसमें देख कलर आ गया तब भी। ये देखो इनमें कलर है, इसमें कई जगह से तोड़ भी दिए गए, कई में नहीं तोड़े गए। और अब शायद इनकी बारी आने भी वाली है क्योंकि इसमें कलर आने लग गया है अब अच्छे से। कई में तो सही में बिल्कुल कलर ही नहीं है भाई। अब ये वाला देखो सेब इसमें है ही नहीं, इसमें सही भी नहीं है क्योंकि इसमें आ गया होगा तो तोड़ दिया सारे। अरे ठीक भी कर रहे, वरना पहले जो पहले के हमने सीजन लगाया ना उसमें ऐसे होता था कि मतलब एक बारी में सारे खाली कर देते थे हम एक बारी में सारे, क्योंकि उस टाइम ना रेट का बहुत फ़र्क पड़ता था यार। क्योंकि हमारा सीज़न थोड़ा लेट हो जाता था उस टाइम को, रेट जो मार्केट का रेट होता था वो बहुत डाउन हो जाता था, तो हमें जल्दी इस चीज़ की रहती थी, थोड़ा जल्दी निकाल देते थे ताकि रेट थोड़ा कहीं ना कहीं तो ठीक मिल जाए। बट हम इस उसमें ये भूल जाते थे कि हमारा सेब पूरा अच्छी तरह से तैयार ही नहीं होता था ना, उसमें अच्छे से कलर आ पाता था ना, साइज़ बन पाता था ना, टेस्ट आ पाता था। बट इस बार ही रहने दिया ना, इस बार ही भाई साइज़ तो नहीं बोलूँगा बट जो कलर है और जो टेस्ट है एक नंबर भाई। इस बार ही लग रहा है मुझे इतने टाइम बाद अपना सेब मीठा, वरना भाई नहीं लगता था क्योंकि हम जल्दी तोड़ देते थे। हमारे भाई साहब ने तोड़ना शुरू कर दिया सेब। तूने कहाँ से सीखा सेब तोड़ना मुझे बता। मुझे ना ये जानना है गाइस, आपको क्या लगता है कि मार्केट में ये क्या रेट बिकता होगा ये साइज? हाँ जो इसका सही आंसर देगा ना मैं मान जाऊंगा कमेंडेबल जॉब। पहाड़ियों को तो पता ही होगा बट हाँ। जो आउटसाइड हिमाचल या फिर जिनको नहीं पता है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है इसका क्या रेट होगा, इसका क्या रेट होगा सेब का। देखना हम थोड़े आगे आगे। हाँ यहाँ नहीं है भाई, देख वो कीड़े सही में, वो लाइट करके ही आया जो आया है। हाँ। तो मैं ये बोल रहा था देखो, हाँ जी एप्पल में मेन कलर जो अदर देन जो हम डालते ही है न्यूट्रिशन डालते हैं, उसके अलावा इसका फर्क पड़ता है कि सनलाइट कितनी पहुंच रही है और एयर कितना एयर पहुंच रही है, कितना वो हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा डेंस है ना, तो डेंस की वजह से ज्यादा एयर नहीं आती है, ज्यादा सनलाइट नहीं पहुंचती है। आगे देखो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है सही है इसे ज्यादा भी पता हो। ये मैं क्या बोलते हैं उनको, वो नहीं होते रेप्लिकास और मिनिएचर्स, एप्पल मिनिएचर्स है तो है बट बेचारे ज्यादा टाइम तक टिकेगे नहीं ये मिनिएचर्स। मैं इनको प्रिजर्व करके बेच दूंगा। बेच देगा किसको? सौ साल बाद बेचेगा क्या? तब रेट मिलेगा वरना अभी नहीं मिलता, भूल जा। हाँ बताओ पापा। तो किस में तो जाएगा क्या? अंडरसाइज। अच्छा सीधा एचपीएमसी को जाएगा। ये सेवन लेयर है, ये तो रेड गोल्डन हुआ होगा। ये मैंने देखा ना वहाँ पे, मैं इसको बोल रहा हूँ ये नहीं बिकता भाई, कोई नहीं लेता इसको। मुझे लगा बी ग्रेड में भर एचपीएमसी। ओके पता नहीं क्या पीसते हो। और यहाँ पे हमने एक ट्री देखा, उसमें ना सारे ऐसे है वाइट है एकदम। हाँ उसमें कलर ही नहीं आया अभी। कौन सा रॉयल है वो? क्या लेट रॉयल रेड? ओके ओके ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा था ना पीछे रेड का, पूरे पीछे में वही एक साइड है उसकी रेड की, बाकी तो रॉयल है दूसरी आधी साइड। ओके अच्छा तभी हाँ रेड होते थे, उसका कलर बड़ा लेट लेट आता। अच्छा यहाँ पे देख तूने ये जो वो थिनिंग का काम है ना, इस वाले सेब का साइज देख कितना बड़ा हो गया है ना। इस वाले सेब का साइज देखो भाई, ये देखो ये देखो। अब जैसे गाइस ये बंच हो गया है ना, अब इसमें देखो कैसे लगे, चार पांच सेब एक साथ लगे। अब मान लो जैसे इन
इन तीन सेब में ना अच्छा साइज बन गया, अच्छा कलर आ गया, तो ये वाली सेब हम तोड़ देंगे। अब जो रिमेनिंग दो है उसमें अच्छे से साइज नहीं आया है ना अच्छे से कलर आया है, तो उनको दो को हम रहने देंगे ताकि जितना भी न्यूट्रिशन है उन दोनों में जाके पहुंचे, ताकि वो भी अच्छे से साइज ले सके, अच्छे से उसमें कलर आ सके। इसलिए थिनिंग की जाती है, जो रिमेनिंग सेब है उसमें भी अच्छे से कलर आ सके, उसमें भी अच्छे से साइज आ सके, तो फर्क दिख भी रहा है भाई। अब मैं आपको एक दो सेब दिखाता हूँ जहाँ ना साइज बहुत ही बड़ा बन चुका है सेब का, क्योंकि उसके जो साथ वाले हो गए तोड़ दिए हो गए पहले। कहाँ गए वो बड़े बड़े सेब? हाँ ये जो रहे, हाँ ये देखो, हाँ ये वाले, ये देखो इसका साइज कितना बड़ा बन गया है, ये देखो है ना, इनके देख लो इनके साइज कितने बड़े बड़े हो गए, ये देख लो। तो ये इसी के लिए किया जाता है भाई। ये जी अच्छा जी, हाँ अच्छा तैयार नहीं, यहाँ अच्छा वो तोड़ दिया, हाँ वो खाली दिख रहा है उस साइड वाला, सबसे एंड वाला। अच्छा अच्छा हाँ, फिर वही अगर ज्यादा पकाओगे फिर ये छूटने शुरू हो जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं ना, ड्रॉप होना। बट इसमें मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसमें देखो धूप वगैरह प्रॉपर पड़ नहीं रही। अच्छा लेट रॉयल है वाला, हाँ वैरायटी का फर्क तो पड़ता ही होगा, उसको फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी अलग अलग होती है सबकी यार, वो तो फर्क पड़ता ही है। अब ये आप इससे ऊपर वाले देख लो ना, ये भी देखो लाल ही अभी लेट ही है ना, हाँ तभी। अच्छा अच्छा वो निकाल दिया, तोड़ दिया आप लोगों ने, चलो ठीक है। और साइज बढ़ गया, हाँ मैं देख रहा हूँ ना बीच बीच में इतना बड़ा बड़ा साइज है भाई। हाँ वही है, सही बात है, जब ना गर्मी पड़नी चाहिए तब तो बारिश हो रही थी लिटरली। अब सितंबर के आप बोल सकते हो मिड मंथ के बाद धूप आनी शुरू हुई थी, अब धूप आनी शुरू हुई है तो साइज और कलर आना भी शुरू हुआ है। यार वो इसलिए होता था, वो मैंने इनको समझा दिया कि हम ना सेब जल्दी तोड़ देते थे इस उससे कि हमारे को मार्केट में रेट अच्छा मिल सके, बट इस बारी हमने ना थोड़ा लेट किया ना, तो भाई साइज भी अच्छा आ रहा है, कलर भी अच्छा आ रहा है और टेस्ट लाजवाब भाई, मिठास वापस। ये बड़े बड़े वाले क्यों चाहिए भाई? ये मार्केट में जाएगा ये सेब? तू मेरा रेट मरवा रहे। मम्मी दो कुछ तोड़ने का, तोड़ने का नहीं ऊपर जाना पड़ेगा मेरे भाई, देख मम्मी तोड़ के दिखाएगी, ऊपर जाना पड़ेगा, ये कुछ मुश्किल नहीं है। यार मैं सोचूं ना झड़ और ना जाए, मैं ऊपर तो चले जाऊंगा। वो तो आराम से जाना पड़ेगा, ये तो टेक्निक है शिवम जी, ऐसा ना हो कि मैं जितने उसमें से आते झाड़ी दूं। नहीं नहीं नहीं, कल को सीखना पड़ेगा ना आपको, आपने भी तो जाना होगा। यहीं से आ जाएगा अगर आपके कुछ बेटा, सीढ़ी लगानी पड़ेगी, फिर सीढ़ी भी नहीं लग पाएगी क्योंकि ब्रांचेज है यहाँ साथ में। क्या जी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं रहने का, हाँ वो ही बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं करना, रिस्क नहीं लेना। तो इस बार ये वाला क्यों नहीं तोड़ देता है? ये वाला ये भी तो इकलौता चाहिए। ले भाई ला, तोड़ेगा ऐसे? ओ भाई नहीं, तू और क्या टूटेगा? अच्छा मेरे को एक बार बताओ टूटेगा कैसे? चल कैसे, तो मम्मी वो पकड़ना मुश्किल है ना वैसे, वो देखो आया आया आया, गुड 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 आ गया। मम्मी यार बातें तो बड़ी बड़ी की थी तो यार ये टहनियों में बच गया ना उसकी वजह से। ले ले ले, यही तो होता है यार, बट साइज देख इसका कितना बड़ा, कलर देखना भाई, कलर भी देख। मैंने यहाँ को तोड़ा, मैंने तुम्हें इससे ही इसका देख वाली कर रहा है, बोले मेरा मेरा है, मैं तो नहीं चढ़ सकता। गुड गुड गुड, यही होना चाहिए, रखवाला ऐसा होना चाहिए भाई। ये देख चढ़ रहा रूनी अटैक, आओ आओ मारो मारो आओ। तो गाइस एक बारी मैं तो चढ़ गया हूँ, अब देखते हो उज्ज्वल और मम्मी चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते। देखियो टेक्निक, देखियो मम्मी ने लिया है किल्टा। और क्या, मैं लिख के देता हूँ, उज्ज्वल फील्ड अटेम्प्ट है। व्हाट इज फील्ड अटेम्प्ट? ऊपर पूरा चढ़ना, ये क्या मतलब है? क्या इससे ऊपर क्या चढ़ना है भाई? चढ़ना है क्या करना? कुछ नहीं, बस चढ़ना है इसको, ले चढ़ गया तो सेब का नुकसान करवाएगा हमसे और कुछ नहीं। क्यों, तुझे आता नहीं है? गाइज ये खुद तो चढ़ नहीं पाया, कोशिश इसने 10 बार ही कर ली चढ़ा दिए। इसने गाइज रिकॉर्ड नहीं किया, ये बोलता मैं डालूंगा इन्हें, तू चढ़ भी जाएगा रिकॉर्ड भी कर दूंगा। देखो गाइस यही नहीं होता कि ऊपर चढ़ गए तो हो गया, नीचे भी आना होता है। नीचे भी आना होता है पक्का। ये ऐसे लग रहा है पेड़ पे लटका बंदर, तू तो बेइज्जती कराएगा, मेरे पांव ना फ्रैक्चर हो जाएगा इस नेट का। ये इतने में फ्रैक्चर हो जाएगा, इतना ऐसा डिस्टेंस है ब्रो, कम ऑन। डिस्टेंस है हाँ, पक्का कम ऑन, हटियो बे कम ऑन। इस अच्छा मैं बोलूं क्या करूंगा, देखियो बे फंस गया गाइस, फंस गया। देखो ऊपर चढ़ने आसान नहीं होता, नीचे आना मुश्किल हो गया भाई को। दे नीचे, अब कब के लिए सोचा है? देखा बेटा लटक के,
बंदर ही बोला था, बंदर की तरह इससे नहीं चढ़ा जाएगा। वो चढ़ गया भाई, चढ़ गया। देखना टांगे कैसे डाल, फंस गया फंस गया। चढ़ने की कोशिश, हाँ भाई क्या मैंने देखा, अच्छा दिखाया। नहीं नहीं चढ़ पाया तू, कहाँ चढ़ पाया, तो इसको चढ़ना ही तो बोलते हैं, चढ़ना ही बोलते। टांगे यहाँ फंसा दी, बस फंस गया। फिर इसको ही पता था नीचे जैसे मेरे को मुश्किल है, इसको और मुश्किल आ जानी थी। नहीं मैंने इसे चढ़ना चाहता, बिकॉज़ दिस इज द मोस्ट मोर एप्रोप्रिएट साइड। चलो चढ़ो जरा, मम्मी आओ तब तक आप करो। देखो गाइस पेड़ पे चढ़ने की हो लगा ली, थोड़ी थोड़ी तो लगती रहती। ये भी बोलता है मेरे से फल ले जाओगे तो बेटा नुकसान तो लेना पड़ेगा थोड़ा। रहने दो रहने दो रहने दो, हाँ ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। किल्टे के सारे चढ़ जाओ, सारा काम रुक जाएगा। अगर किल्टे मम्मी नहीं, किल्टा नीचे दबा दिया मम्मी ने। अगर देखना मम्मी टूटे गए इसे बीच से गिरो आप। ओ भाई तेज है भाई लड़की, क्या जानता है तू, गांव वाली है पूरी। क्या बात है, अब नीचे कैसे आएगे भाई, क्या तोड़ना है बोल। नहीं कुछ नहीं तोड़ना, नीचे आ जाओ बस आराम से आओ। मम्मी बल्कि सही जगह चढ़ी है तुझसे, बेकार तू तो बहुत तेज है, लटका चढ़ सकता था मैं ऊपर, फिर तो ऊपर यार एक बार ऊपर चढ़ के फिर ऊपर जाना थोड़ा ना। इसमें ना कहीं पे पकड़ने के लिए नहीं, इसका जो सबसे मोटा तना है वही इतना, और इतना लंबा है भाई। पहला स्टेप देखो कितना ऊपर जाके बंदा कैसे रखेगा, इतना लंबा स्टेप है पता नहीं भाई। बड़े बड़े पौधों में नहीं नहीं चढ़ते हैं भाई, मुझे पता है पापा प्रूनिंग भी तो करते हैं यार इस सर्दियों में। 25 साल तो मेरे को भी हो गए। देखते देखते 25 नहीं 28 साल। ये देख ये वाला देख रहा तू, इसकी देख कितनी ऊपर है। एक और छोटू राम देख, ये सामने वाला देख रहा है, इसमें तो और ऊपर है। अप्रोच एंगल क्या भाई, सब बिगड़ा नहीं, ये तो ना ऊंचा। अच्छा ये साथ में जो है यार, सॉरी मेरे को साइड से दिख रहा था कि बहुत दूर है, बट नहीं ये नजदीक में ही इसका। मेरे फोन पकड़, सब पकड़ दे दे भाई। सेब लेके चला है जेबों में भाई, अमीरियत। जब आप सेब के बगीचे में घूम रहे हो तो सेब तोड़ने चाहिए। तू मेरा अच्छा कंटेंट दे रहा है आज तू मुझे। देख ना तो बनाना नहीं है तो बोलो मैं दे देता हूँ, बंदर बन गया। रहन दे भैया रहन दे, ये साइड सही नहीं है, तो साइड तेरे लिए कोई सही नहीं है। इधर ले मैं चढ़ू, रुक जा बोले एक पेड़ में तो चढ़ जाऊं यार, वरना बेइज्जती हो जानी। चढ़ा दे, चढ़ जा शाबाश, कर हर मैदान फतेह कर। ओ भाई जैसे मोटिवेशनल गाना है, बंदा चढ़ गया देखो। कर हर मैदान फतेह रे शिविया। बेटा अब नीचे कैसे आएगा, पहले उस साइड को जाना पूरा। हट जा, मैं इधर कोई कूदेगा, इस साइड कोई कूदेगा, देखता हूँ मैं। टांग फंसाएगा अपने आप को, फंसाएगा गाइस, ये मूव हो जाएगा अपना नीचे मुझे। तो हाथ छोड़ना वहां से, तो छोड़ पहले नहीं वाला पाल गाना। ऐसा कर पेट के बल गिर, तेरे को पेट बचा देगा तेरा। मेरा पेट दिख रहा है क्या? दिख रहा है तभी बोल रहा हूँ। दिखाना कैसे नहीं अब और क्या। चलो भाई मर गए, एक उसमें कामयाब रहा लड़का अपना, गुड। ते तो हाथ ही गंदे, में तो खरोचे पड़ गई। आज का भी गाइस हमारा प्लान है कि हम जाए चौपाल अपने काम से। एक तो व्लॉग अपलोड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो देखो मैं शूट ही कर रहा हूँ अब, अभी मैं एडिट करूँगा फिर चौपाल जाएंगे, वहाँ जाके अपलोड करेंगे। अब मेरी कोशिश गाइज यही है कि जितने दिन मैं यहाँ हूँ उतने दिन मैं रिकॉर्ड करूँ अच्छे से, और उतने दिन ही मैं व्लॉग डालते भी रहूँ। कोशिश मेरी यही रहेगी कि ऑन डेली बेसिस, जितने दिन अभी हम यहाँ हैं 4 से 5 दिन, ऑन डेली बेसिस व्लॉग आते रहे, ताकि आप अपडेट रहो कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर यार। वो अच्छा भी रहता, आप लोग भी कनेक्टेड फील करते हो। फाइनली अब टाइम आ चुका है चौपाल जाने का। टाइम बताऊं तो अभी 4:30 हो गया भाई, अब निकल रहे हम चौपाल के लिए, क्योंकि पापा ने जाना है अपने उसी काम से जिसके लिए कल भी गए थे, जो है गाड़ियां लोड करवानी, क्योंकि गाड़ियां हमने फिर से भेज दी है मार्केट के लिए, तो उसके लिए गाड़ियां लोड करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए अपना वहाँ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार अपनी प्रेजेंस में ना बंदे भी ठीक से काम करते हैं, और जिस अकॉर्डिंग हमने करवाना हो ना वो भी हो जाता है। तो उसके लिए पापा जा रहे हैं, हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैंने व्लॉग अपलोड करना है। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना साथ ही निकला जाए पापा के, ताकि वापस भी हम साथ आ सके। यहाँ पर भाई बीमार होने का रीज़न एक ही है, अब जैसे वॉकिंग ऊपर चढ़ रहे स्वेटिंग हो चुकी है, साथ में जब ये ठंडी हवाएं चलती है ना भाई, यही रीज़न बनता है फिर बीमार होने का। ओ भाई साहब बेटी, ये किसी का पालतू है। और हम आए हैं भाई अभी चौपाल अपलोड करने व्लॉग, और टाइम बताऊँ आपको, टाइम हो गया है 6:15। और सच बताऊँ यहाँ पर अपलोडिंग की स्पीड है ना भाई बहुत ही ख़तरनाक है। अभी तक मैं ना रेस्ट हाउस के पास करता था, वहाँ मतलब मुश्किल तो होता था 1-2% बढ़ता था, बट यहाँ जो स्पीड है ना भाई क्या ही बताऊँ। अभी मुझे सिर्फ 5 मिनट हुए मैंने जब व्लॉग अपलोड करने के लिए लगाया, और अभी तक ये 41% हो गया, सोचो सिर्फ 5 मिनट हुए। यहाँ पर ये दुकान देख लो, इसके पास मोक्ष,
इसके दुकान के साथ बिल्कुल भाई, क्या नेट चलता है भैया। कल भी हम बाय चांस आ गए थे यहाँ पर कुछ सामान लेने, और भाई ने मुझे एकदम से खबर दी, भाई देख तेरा व्लॉग कितनी जल्दी अपलोड हो रहा है। तब से भाई हमें स्पॉट मिल चुका है, अब पता है हमने जब भी व्लॉग अपलोड करने आना है चौपाल में तो यहाँ आना है। तो गाइस आज भी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 8, और अभी कर रहे हैं हम एक गाड़ी लोड जो जाएगी परमाणु मार्केट। एक गाड़ी हमने ऑलरेडी भेज दी है जिसमें सारी क्रेट सिगरेट्स और वो भेजी हमने अदानी के पास। अभी एक और लॉट आने वाला है सीधा हमारे बगीचे से। एक बंदा गया अभी गाड़ी लेकर वहाँ वो लॉट पिक करने, शायद वही लॉट लेके वो सीधा निकल जाएगा अदानी के पास। वो भी क्रेट्स वाला ही लॉट है, उसमें क्रेट सिगरेट्स और वो सीधा जाएगा अदानी के पास। बस एक गाड़ी है जो जाएगी आज परमाणु, और बेसिकली इसमें है रेड गोल्डन।